सदर कोर्ट दिखाई है, और इससे पहले हम आपको भवानी खेड़ा, उसके बाद लाड़वा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का मतलब थानेसर, और साथ में रादौर, पंचकुला और कालका, और आज हम खड़े हैं हरियाणा की सबसे सेंसिटिव सीट है, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी के विधानसभा क्षेत्र से, वो जो करनाल है, आज हम करनाल में खड़े हैं। करनाल का सबसे व्यस्तम चौक है जो वाल्मीकि चौक है, यहाँ पर कमेटी चौक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोगों का क्या रुझान है, कैसे लोग यहाँ पर खड़े हैं। और हमारे बीच में हम बात करते हैं आज ग्राउंड लेवल की, जैसे आपको पता है कि हम ग्राउंड लेवल पर अपना सर्वे कर रहे हैं, और हम जो यहाँ पर किसी भी पार्टी का आपको कहीं पर भी कोई भी झंडा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इन लोगों के क्या व्यूज़ हैं, सरकार के प्रति, अपने लीडर के प्रति, वो कौन सा अपना नेता चुनेंगे, आइए हम ये ग्राउंड लेवल रिपोर्ट जनता से पूछते हैं। नमस्कार भाई साहब, आप आइए। हाँ आइए, क्या नाम आपका जी? नरेश। नरेश जी, आपका एरिया कौन सा है? हांसी रोड, रमेश नगर। अच्छा, आप यहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं, आपको पता हरियाणा में, तो आपकी सबसे हॉट सीट है, मुख्यमंत्री जी यहाँ से खड़े हैं, तो पहले आप बताइए कि यहाँ के विकास के बारे में बताइए, क्या विकास हुआ यहाँ पर? यहाँ तो विकास के रोड बनाया है, रोड सड़कें बनाए हैं, जो सीवरेज वगैरह बंद था वो सब सारे सही हुए हैं। तो आपको क्या, आप ये बताइए कि आप अपने MLA से कितनी बार मिले हो? हमने तो हमारे पास एक बार भी नहीं मिले, हम एक बार भी नहीं मिले। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो जीत है, आप इस बार जो जीत है वो आप खट्टर साहब पर विश्वास करोगे किसी और पर? नहीं, देखो ये माहौल तो चल रहा है, बीजेपी चल रहा है, बीजेपी का चल रहा है। तो देखिए, हमारे बीच में ये खड़े, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिलाया, लेकिन इन्होंने एक बात और कही है कि हम अपने विधायक से इतना मिले नहीं हैं। और हमारे बीच में भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी, बड़े अच्छा हो गया आप मिल गए। दीपक शर्मा जी, आप ये बताइए कि जो मौजूदा स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि आपकी हॉट सीट है यहाँ पर, CM मुख्यमंत्री यहाँ पर खुद खड़े हैं, और मुख्यमंत्री खड़ने के कारण ये बहुत ही पूरा हिंदुस्तान सीट को देख रहा है करनाल को आज, तो आप ये बताइए कि करनाल का जो विकास कह रही है भारतीय जनता पार्टी, हर जगह हमने किया है, तो यहाँ पर विकास कितना हुआ है? विकास तो बहुत ही अच्छा हुआ है यहाँ का, विकास में कोई कमी नहीं है। करनाल को आज तक जितनी भी सरकारें पहले आई है, कभी करनाल की तरफ किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जिसने भी ध्यान दिया, अपने ही इलाके में ध्यान दिया, करनाल में किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन तरक्की से भी खुश है, करनाल की खुशहाली से भी खुश है। आप क्या लगते हो, आप अपने MLA को 10 में कितने नंबर दोगे? ऐसा है, देखो जी, जहाँ तक MLA की सवाल है, MLA तो करनाल का यहाँ का था ही नहीं। अच्छा जी, हम ऑटो चलाने वाले हैं, ठीक है जी, हमें 22 साल हो गए अपने बच्चों को पालते हुए इसी लाइन के अंदर। आज इन्होंने, इस सरकार ने, बाकी सब ठीक है, तरक्की की, आगे बढ़े, सब कुछ है, लेकिन गरीब आदमी को इन्होंने मार दिया। किस तरह से? आपने जो बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि गरीब आदमी का कुछ भी सोचा, वो कैसे? मैं बताता हूँ, ऑटो वाला सुबह घर से निकलता था, कैमरे तब देखिए, सुबह घर से निकलता था, शाम को 400 या 500 जितने भी कमाता था, 100-200 डीजल का खर्चा निकाल कर अपने 200-300 रुपये बच्चों के लिए कमा के ले जाता था। आज हालात ये हैं कि जी बाबूजी, 200-500 तो बड़ी दूर की बात है। यानी आपको लगता है कि यहाँ पर मंदी का दौर, जो पूरे यहाँ पर मंदी का दौर है, बहुत भयंकर, थोड़ा जैसे आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में मंदी का दौर चल रहा है, और ऑटो व्यवसाय के ऊपर, जैसे आपने कहा कि आप ऑटो का काम करते हो, नेचुरल है कि आप यहाँ पर टेम्पू चलाते हो, लोग आपसे मिलते होंगे, आप ये बताइए कि वो मंदी का दौर कहाँ तक है आपका, आपके ऑटो जो इंडस्ट्री, उस पर कहाँ तक पड़ा है? मंदी का दौर तो इतना पड़ा है सर कि आज किसी डीलर के पास हम ऑटो लेने जाते हैं ना, अगला ये कहता है कि भाई ऑटो ले जाओ, चाहे जेब में 1 रुपया भी ना हो, लोन भी करवाने, क्यों? क्योंकि ऑटो बिक नहीं रही है, डरते मारे कोई खरीदता नहीं है। उनको पता है कि अगर 2.5-3 लाख रुपए की ऑटो लेकर अगर शाम को 500 रुपए बच्चों के लिए ना कमा के ले जाए, और गाड़ी की किस्त ना निकले, तो क्या करेगा? तो आप हमें ये बताइए कि अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, इस पर आप क्या लग रहा है, यहाँ पर रुझान किसका लग रहा है? रुझान तो 100% BJP ही आएगी। तो भाइयों बहनों देखिए, इन्होंने, शर्मा जी ने एक बात कही है कि यहाँ पर रुझान भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगा कि अर्थ प्रकाश के प्लेटफॉर्म पर जनता अपने दिल की बात कह रही है, बेझिझक होकर कह रही है। इन्होंने ये बात भी कही है कि ऑटो इंडस्ट्री और व्यापार में मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने BJP पे अपना विश्वास दिला रहे हैं। शर्मा जी, अब हम आगे चलते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? देवराज। देवराज जी, कौन सा गाँव आपका? ये करनाल से। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो वेव है, क्या लगता है आपको, आपकी हॉट सीट है यहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी खड़े हैं यहाँ पर, तो क्या लगता है उनके विकास कार्य को, आप क्या किस दृष्टि से देखते हो?
देखिए जहाँ तक मेरा ख्याल है विकास तो हर जगह ही हो रहा है, वैसे सभी जगह जो अभी जब कई नई कॉलोनियाँ बनी थी उनमें मान ली सीवर नहीं डले थे, तो काम दिन पर दिन हो रहा है, वैसे काम अच्छा हो रहा है, इसकी इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। तो आप क्या लगता है कि आप 10 में से कितने नंबर दोगे अपने MLA को? 10 में से 10 ही देंगे वैसे तो, क्यों तो देखिए ऑप्शन भी कोई है नहीं अभी सरकार, वैसे जितना जो लेवल से हम जो सरकार के बात करते हैं क्योंकि ऑप्शन सर और किसी के पास है नहीं। तो देखिए इन्होंने ये कहा कि हमारे पास ऑप्शन है नहीं है लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। तो हमारे बीच में नमस्कार जी, सत श्रीकाल जी, क्या नाम है आपका जी? जितेंद्र पाल सिंह। जितेंद्र पाल सिंह जी, क्या लगता है आप यहाँ पर कि जो निर्णायक वोटें हैं जो यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, तो ये सबसे व्यस्तम एरिया है करनाल का, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या क्या होना? सर ऐसा है कि आज के वक्त में कैंडिडेट पब्लिक ना बोल नहीं रही है, सच्चाई तो ये है। पब्लिक की जो बेसिक नीड्स है ना, लोग वो चाहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है आप 370 जो मर्जी हटाओ करो करो, लेकिन मेन है कि जब नोटबंदी आई उसके बाद GST आया, व्यापारी जो है ना दुकानदार वो दिक्कत में है, उसकी सेल 30% डाउन हुई है, उसको वो टेंशन भी है। और 7वां वेतन आयोग है, उसके जो हाउस रेंटल अपने जो DA वगैरह है अलाउंसेस वो नहीं मिले हैं, वो भी गवर्नमेंट से किस्त के अंदर उसके अंदर तलक है, वो चाहते हैं करनाल। तो आप ये बताइए करनाल शहर का जो नब्ज है इस वक्त वो क्या कह रही है, क्योंकि यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स हैं जो ये अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट एक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। तो आप ये लोग, आपने कह रहे GST लगा, आपने ये कहा कि जैसे मंदी चल रही है, इस सभी के दौर में आप क्या दृष्टि देखते हो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्या यहाँ पर कौन सी सीट निकाल सकती है, क्या यहाँ के लोग जो आप हो जो वोट देते हो क्या किसी को चेंज करोगे? जीतेगी तो BJP करनाल से, लेकिन मार्जिन कम होएगा वोटों का। तो देखिए इन्होंने ये कहा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी लेकिन इसका मार्जिन कम होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और अब हमारे बीच में एक और कड़ी जुड़ गई है, सबसे बड़ी बात है, हमें अच्छा लगा कि अर्थ प्रकाश जैसे आपको पता है कि निष्पक्ष अपना 0 लेवल की रिपोर्ट दिखा रहा है, और यहाँ पर हमें और भी अच्छा लगता है कि जब यहाँ पर लोग जो आवाम है जिन्होंने वोटें डालनी है, जिन्होंने अपने लीडर के भविष्य तय करने हैं, वो निष्पक्ष होकर अपनी दिक्कतें भी बता रहे हैं हमारे साथ। हमारे बीच में एक और कड़ी जुड़ चुकी है, नमस्कार जी। नमस्कार जनाब, क्या नाम है आपका? अमरनाथ। अमरनाथ जी क्या काम करते हो पहले ये बताइए? ई रिक्शा चलाते हैं अमरनाथ जी। अमरनाथ जी इस जैसे आपकी ये सीट हॉट सीट है हिंदुस्तान के ऊपर, सबकी निगाह है इस सीट के ऊपर, क्या लगता है कि अब इस बार माननीय मुख्यमंत्री फिर दोबारा से ट्वीट होंगे क्या, क्योंकि करनाल की जनता चेंज करेगी? रिपीट होंगे जी, पर बाकी चेंज तो है, कांग्रेस की तरफ भी ज़्यादा झुकाव है लेकिन जाएगी फिर भी। देखिए इन्होंने ये कहा कि ऑटो रिक्शा चलाते हैं कि कांग्रेस की तरफ ये सीट तो निकलेगी लेकिन कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है लेकिन लीड नहीं कर पाएगी जी कम। इन्होंने कहा कि लीड नहीं, क्या कारण है अमरनाथ जी जो आपने ये कहा कि यहाँ पर लीड नहीं है जी? हर आदमी चाहता है भी हमारा CM City है तो दोबारा भी CM City ही बना रहे, ये मतलब लोगों का तर्क ज़्यादा है, जो उनका सोच जो है लोगों की है भी CM City। तो क्या लगता है आपको कि इस बार CM चेंज होंगे? नहीं चेंज नहीं। फिर आपने कैसे कह दिया? क्योंकि सेंटर में है ना जी, सेंटर में BJP की सरकार है तो मतलब यहीं का CM जो है BJP का ही। तो आप अपने मौजूदा जो CM साहब हैं, जो MLA हैं आपके, उनको कितने नंबर दोगे 10 में से? कौन सी MLA जी? मनोहर लाल खट्टर जी को 10 में से 10 ही है जी। 10 में से 10। आपने देखा कि ये लोग ये भी कह रहे हैं, अपना दुख दर्द भी कह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा यहाँ पर क्या लगता है वेब जो आपकी यहाँ पर CM साहब खड़े हैं यहाँ से, तो किसका लगता है चांस? ये सर भाजपा की तरफ ही है ज़्यादातर। तो इन्हों यहाँ पर हाँ जी तो क्या लगता है इस बार आपको? सर भाजपा जो भाजपा, तो देखिए आपने यहाँ पर हर इंसान ओपनली तौर पर भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जता रहा है और साथ में अपनी दिक्कतें भी बता रहा है कि हमारी ये दिक्कतें हैं। और हमारे भी और जुड़ गए, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका जी? सतवीर है जी। सर सतवीर जी, गाँव कौन सा आपका? बैनीपुर जी। ये कहाँ पर है? हवेली के सामने। यहाँ पर हल्का कौन सा है? नीलो खड़ी। चलो अच्छी बात है, नीलो खड़ी से भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। अच्छा ये बताना नीलो खड़ी में मुकाबला किस तरीके का? भगवान दास, कबीरपंथी। कबीरपंथी है, BJP सीधी आएगी। BJP GT रोड बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी का आप ये लहर देख सकते हो कि नीलो खेड़ी से ये इन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर कबीर पंथी जी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आ रही है और यहाँ पर काम भी किया। उसकी क्या आप संतुष्ट हो? हाँ जी। कबीर पंथी जी, आपने MLA को कितने नंबर दोगे आप 10 में से? हाँ जी 10 में से। हाँ बताओ, निष्पक्ष होकर बताओ, खुल के बताओ। नहीं, फुल बहुमत से आएगा। फुल बहुमत से आएगा, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और हम आगे चलते हैं।
आ रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लोगों के अंदर जोश है, जुनून है। और हमारे बीच जुड़ गए, क्या नाम है आपका जी? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी, आप पहले इधर आइए। राजेंद्र कुमार जी, ये बताइए कि आपकी हॉट सीट है करनाल की, आप करनाल से बिलोंग करते हो? हाँ जी। तो क्या लगता है आपको यहाँ पर? मैं तो वैसे गांव से करता हूँ। हल्का तो यही होगा मुख्यमंत्री, मेरा इंद्री पड़ता है। मेरा इंद्री पड़ता है। चलो, इंद्री से भी सबसे बड़ी बात है कि नीलो खेड़ी इंद्री से भी लोग जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। और हमसे बात करते हैं इंद्री का जो सेंसिटिव जो अपना पहले यहाँ पर करणदेव कंबोज जी थे और रादौर चले गए, और उसके बाद वहाँ पर कश्यप जी आए हैं भारतीय जनता पार्टी से। वहाँ की स्थिति क्या है इंद्री की? इंद्री की स्थिति तो खराब ही है वैसे। अच्छा जी, जो करणदेव कंबोज वाली सीट थी, अब की बार डगमगा रहा है सिस्टम। नहीं, कंबोज साहब रादौर से खड़े हैं। वो तो वहाँ चले गए हैं। अच्छा, उसको छोड़ के गए हैं ना वो? अच्छा। क्यों छोड़ के गए हैं? इसीलिए छोड़ के गए हैं वो, क्योंकि उनको नहीं लगता था कि मैं यहाँ पे कामयाब हो पाऊंगा। तो देखिए, इंद्री के लोगों ने ये कहा कि करणदेव कंबोज को टिकट इसलिए इंद्री से नहीं उन्होंने ली कि उनको डर था कि वो हार जाएंगे इलेक्शन। इन्होंने खुद लोग, हम नहीं कह रहे, ये अवाम कह रही है, हरियाणा के लोग कह रहे हैं, जो जो इनके मन में बात है। और आप बताइए क्यों, कैसे लगा आपको? क्योंकि उसने काम नहीं किया कोई ढंग से। अच्छा, तो अब क्या लगता है इंद्री में जो नया है, क्या वो किसके तरफ गए भाई इंद्री की? देखो जी, अब तो वैसे फाइट में सारे ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी अंतर आपको? सीधा कोई निकल जाए। अच्छा, अगर मैं अपनी बात कहूँ, अगर कांग्रेस ने राकेश कंबोज को टिकट दी होती तो उसको कोई हराने वाला नहीं। अब क्या लगता है आपको? अब भी फाइट में रहेंगे? अच्छा, फाइट में रहेंगे। तो इन्होंने कहा है कि एक इंद्री के अंदर कांग्रेस ने राकेश कंबोज को टिकट नहीं दी, वहाँ पर टिकट वितरण गलत हुआ है, इसका मतलब ये हमारे हिसाब से तो ऐसे ही है। तो लोगों के हिसाब से ये हो रहा है कि इंद्री का इलेक्शन भी कि बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, ये कंफर्म है। और ये इंद्री से आए लोग कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये अवाम कह रही है। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? ये प्रॉपर वार्ड नंबर 14 का मैं रहने वाला हूँ। करनाल की जो राजनीतिक माहौल है वो ठीक है, बहुबली बीजेपी। पहले ये बताइए, आप ये बताइए कि आप अपने MLA को कितनी बार मिले हो 5 साल में? 5 बार में एक बार भी नहीं मिला हूँ। अच्छा, और करनाल में एक इस तरीके का माहौल हो गया, जो जाटा साई थी ना रोहतक की, क्योंकि हमारे CM रोहतक के रहने वाले हैं, उनके अंदर झलकती है। किसी का फोटो सेल्फी खिंचवाते हुए फोटो नहीं देना, बच्चा उठा देना, इस तरीके का उनका सिस्टम रहता है। जाटा साई की तरह अगर देखी जाए तो वो खट्टर के अंदर देखी गई है। तो आपका करनाल में वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर मेरा 14 है, और मैं करनाल का प्रॉपर रहने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे 80-85 जो हजार वोट बैंक है वो पंजाबी कम्युनिटी की है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लीड कर रही है। और जो विपक्ष है उन्होंने एकजुटता नहीं दिखाई, एकजुटता ना दिखाने के कारण। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने ये कहा कि यहाँ पर विपक्ष एकजुट नहीं है, इतना कुछ मुख्यमंत्री पर आपने ये भी कहा कि वो इसके कार्यशैली पर अपने प्रश्न उठाए, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आप ये कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये कैसे कह रहे हो? उसका मैं इसलिए कह रहा हूँ, करनाल के अंदर 2.25 लाख वोट होने के कारण 1.5 लाख वोट एक पंजाबी कम्युनिटी की रहती है, और जो पिछली सरकार रही है जाट की और नॉन जाट की राजनीति की, आज अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सक्सेस हुई है वो नॉन जाट और जाट की राजनीति के मुद्दे पे हुई है। इसीलिए करनाल में CM साहब जो मजबूत है वो नॉन जाट की फैक्टर के कारण। यानी कहने का मतलब है कि करनाल सीट इसका मतलब करनाल सीट आपको लगता है कि पूर्ण रूप से सेफ है? हाँ बिल्कुल, बीजेपी। तो देखिए, वार्ड नंबर 14 से होना, वार्ड नंबर 14 से भी इन्होंने कहा है कि करनाल सीट सेफ है, लेकिन लोगों के दुख दर्द, लोगों की दिक्कतें हैं कि खट्टर साहब उनसे मिले नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके मिलने के ना कारण भी उनके कार्यशैली पर प्रश्न उठा। बात और बताना चाहता हूँ, करनाल नगर निगम जो है 1.5 करोड़ रुपए का काछुआ के ऊपर एक स्लॉटर हाउस लगाया गया था, जो EDP प्लांट बोलते हैं, वो पिछले 5 साल से लगाया गया है, और 1.5 करोड़ रुपए सरकार के अधिकारियों ने, नगर निगम की कमिश्नर ने टोटली करप्शन का घोटाला किया। शहर के अंदर मुर्गे बकरे अवैध रूप से सुअर काटे जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी का कोई भी कारण नहीं है, जो देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे भी स्मार्ट सिटी को, करनाल सिटी को बढ़ाया जाएगा, मगर ये कागजों के अंदर 272 जो करोड़ था वो बिल्कुल डिस्पोज कर दिया गया, सारे के सारे पैसे की स्लॉटर हाउस के नाम। आप काछुआ रोड पर जाकर के देखे, जो EDP प्लांट है वो आज बंद पड़ा है। EDP प्लांट वालों की कोई तनख्वाह नहीं दी गई, किसी प्रकार से सड़कों के अंदर मुर्गे बकरे वगैरह वगैरह काटे जा रहे हैं। तो देखिए, इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर इनके दिक्कतें भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अर्थ प्रकाश प्लेटफार्म के ऊपर लोग अपनी दिक्कतें भी बता रहे हैं, जो यहाँ पर जो अफसरों ने जो किया उसकी भी बात बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप हम आगे चलते हैं। हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? प्राणनाथ है जी। हाँ जी प्राणनाथ, प्राणनाथ जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं करनाल का। MLA कौन है आपका?
पता नहीं जी मेरे को तो है जी, पता नहीं वो सबसे बड़ी बात है प्रधाननाथ जी को ये नहीं पता मेरे एमएलए कौन है, पर आप ये बताओ आपको पता तो नहीं है पर आप एमएलए बनाओगे किसको ये तो पता है। दोनों पैरों से हटी गए, मेरे को पेंशन नहीं मिलती, लाख बनाता मैं क्या करूँ। अच्छा इन्होंने मुद्दा उठाया बहुत बड़ा कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र होते हुए भी यहाँ पर हैंडीकैप्ड है, दोनों पैरों से इनकी शक्ल देख लीजिए, अगर मुख्यमंत्री साहब देखते हो तो कम से कम इनका दुख दर्द तो देख ले कि हाँ इनके हैंडीकैप्ड है, लेकिन उसके बाद भी इनको पेंशन नहीं मिली, ये बहुत बड़ी बात है। बनाता कोई बनाता भी नहीं, आप कितनी बार गए हो, आप कितनी बार आप अपने एमएलए मुख्यमंत्री साहब से कितनी बार मिले हो, गया अस्पताल जाओ। अच्छा अस्पताल गए थे, डॉक्टर नहीं है। अच्छा तो अब आप क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होगा, अपने अंतरात्मा से बताइए। अभी याद हो हमारे ख्याल में क्या ये अच्छा मुख्यमंत्री भरा है, हमारे को पेंशन कोई बैठी है। सबसे बड़ी बात है करनाल के लोग इतना कुछ होते हुए भी फिर भी ये अपने अपने मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर विश्वास जता रहे हैं कि फिर भी ये तैयार बैठे उनके हल्के के लोग कि हम इनको फिर दोबारा से बताएंगे, बहुत बड़ी बात है ये। बेटे आइए आप, आइए आइए आइए। हाँ क्या नाम है बेटे? अजय सिंह। आगे आइए अजय सिंह जी, क्या लगता है यहाँ पर? यहाँ पर अजीब से फेल हो रहा है, 400 रुपए दिहाड़ी, कोई दिहाड़ी थोड़ी बढ़े और रोजगार मिले नहीं। रोजगार की बात बताइए, जैसे आप इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन में क्या लगता है कि आपके मौजूदा एमएलए, इधर आगे आ जाइए, कि मौजूदा जो एमएलए मुख्यमंत्री आपके एमएलए मुख्यमंत्री है ना, तो आप ये बताइए कि उनकी कार्यशैली के बारे में बताइए पहले, कि आप संतुष्ट हो? हाँ जी हाँ संतुष्ट हैं। तो ये बताइए कि आपकी, आप बताइए आपकी दिक्कतें क्या हैं? हमारी दिक्कतें जी रोजगार नहीं है और जी घर भी ठीक है। क्या काम करते हो, क्या काम करते हो आप? फेरी का भी कर लेते हैं, मजदूरी का भी कर लेते हैं। क्या नाम आपका? अजय सिंह। अजय सिंह जी ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जो हर गरीब इंसान का होता है, हर गरीब इंसान के होता है रोटी कपड़ा और मकान हो, लेकिन इन्होंने ये बताया कि हम बीजेपी पर विश्वास करेंगे लेकिन हमारे पास रोजी रोटी का दिहाड़ी का मुद्दा उठाया। ये अच्छा लगा कि अर्थ प्रकाश के मंच पर ये मंच सभी के लिए एक जैसा है कि उन्होंने अपने दिल की बात इस मंच पर उठा रहे हैं, गरीब इंसान भी उठा रहा है, अमीर भी उठा रहा है, फिर भी वोटिंग डालने को ये वोट डालने को तैयार है। हाँ क्या नाम है बेटे? आइए आप भी आ जाइए, जल्दी आइए। रविंदर सिंह जी, हल्का कौन सा आपका? ये शिव कॉलोनी जी, शिव कॉलोनी करनाल से रविंदर सिंह जी है। रविंदर सिंह जी क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री कार्यशैली पे? ठीक है जी, दिहाड़ी अपना दिहाड़ी कम है, अपनी 500 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए जी। तो इनका भी मजदूर आदमी इन्होंने कहा कि दिहाड़ी होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, यूथ है जो इस एरिया का, बेटे आइए। हाँ क्या नाम है बेटे आपका? इधर आइए जरा, ये आगे आइए, इस साइड आइए। क्या नाम है आपका? अनु। अनु वोट बनी है आपकी? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जिनकी वोट बनी है वो आ जाइए, आपकी देखिए, आपको एक बार देखिए, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये इंसान, ये लोग एक भय की तरह लग रहा है कि मीडिया के आगे आ नहीं रहे बहुत लोग। हाँ जी आइए आइए जी। हाँ जी क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? सुबे सिंह जी। सुबे सिंह जी क्या काम करते हो आप? मैं ड्राइवर था जी, ड्राइवर नहीं करता मैं। तो ये बताइए कि जो यहाँ पर इलेक्शन है, हॉट सीट बनी है करनाल की आपकी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी वेव है यहाँ पर? अब के बार ये खट्टर तो आएगा नहीं जी। अच्छा सबसे पहले देखो, करनाल के अंदर ये मिले जो कह रहे खट्टर तो आएगा नहीं, इन्होंने कहा है, हमने नहीं कहा, ये फिर बताइए आप। हाँ हाँ खट्टर नहीं आएगा, अब कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी क्यों आएगी? है जी क्यों आएगी कांग्रेस पार्टी? उन्होंने अच्छे काम किए हैं जी यहाँ। तो क्या इन्होंने काम नहीं किए? नहीं नहीं। क्या नाम है आपका? सुबे सिंह जी। सुबे सिंह ने स्पष्ट कांग्रेस पर अपना दिखाया कि कांग्रेस पर विश्वास दिलाया है सुबे सिंह जी ने। अब हम बात करते हैं, आइए भाई साहब आगे आगे आइए। चल हाँ क्या नाम है आपका? हाँ मेरा नाम नवाब ठरियाला छोरा से मारा का। वाह भी वाह। अच्छा ये बताइए नवाब जी, आपका नाम ही नवाब है, तो क्या लगता है वेब आपको? माँ कसम में ना बोर्ड खा कर उसको कभी जिंदगी में, माँ कसम ने पता क्या है यार, थे चिक्कड़ की तरह हो रहा है। अच्छा, नहीं नहीं क्या लगता है आपको वेव क्या है? वोट देंगे मोदी जी को। मोदी जी को तो इन्होंने मोदी जी पर विश्वास दिलाया। क्या नाम है आपका? अपना नाम शिव कुमार है भाई। शिव कुमार जी कैसे आपको लगता है यहाँ पर वेव है, जैसे क्या ऊपर तो सरकार मोदी की आनी चाहिए भाई। अच्छा यहाँ पर क्या लगता है? यहाँ पर भी सरकार मोदी की आएगी। यहाँ पर मोदी कैसे आएगा? यहाँ पर मोदी तो आएगा, नुकरा मोदी आएगा। वो मोदी तो आएगा लेकिन एमएलए आपके कौन से? आज तक हमने सदा कांग्रेस तो वोट दीप का मोदी तो वोट देंगे हम। तो इन्होंने कहा कि हम मोदी को वोट देंगे, हर वोट देना अधिकार होता है, हम जरूर कहते हैं, सभी को कहते हैं, इस चैनल के माध्यम से भी कहते हैं अर्थ प्रकाश से कि आप अपना वोट का मतदान जरूर करना, किस तरीके को ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उत्सव है, आप वोट जिसको मर्जी दो लेकिन वोट का जरूर करना। अब हम बीच में आते हैं। हाँ जी आप यहाँ पर आइए, ठीक नहीं आप। क्या नाम है बेटे आपका? प्रिंस। प्रिंस वोट है? वोट है जी। अच्छा क्या लगता है आपको
आपके बार मोदी आएगा जी। मोदी आएगा क्यों आएगा? मोदी 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 के इलेक्शन तो हो गए हैं, ये तो इलेक्शन आपके आएगा जी। खट्टर आएगा विश्वास के साथ। तो इन्होंने भी प्रिंस ने भी भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास दिलाया है। अब हम आगे चलते हैं। कौन आइए आइए। अच्छा ये और कौन है इधर? आइए आप आओगे? आएगा बेटे ओ आ जाओ। मैं तो बताऊं ऊपर सरकार मोदी जी खट्टर तो आना है आना नहीं। खट्टर को आन नहीं देवांगे। ये क्या नाम है? खट्टर ने क्या करया? अच्छा, क्या बताइए हाँ। क्या दिया खट्टर ने? करया कुछ मोदी ने? जो देखो ये तो हमें नहीं पता ना, ये आपको पता नहीं, है आप वैसे बता रहे हो। खट्टर की तो सरकार जमा नहीं, खट्टर नहीं आंदा है। अच्छा बैकग्राउंड जमा। अच्छा तो इन्होंने भी कहा हर हर इंसान का खट्टर नहीं आएगा। जो ऐसे है कि हर इंसान जमा चुटकी के हिसाब से देता हूं मैं। अच्छा तो ऐसे है कि हर इंसान का एक विचार होता है, इन्होंने विचार किए। अब लास्ट विचार हम पूछते हैं इन बच्चे से। क्या नाम है आपका? अमित शर्मा। अमित शर्मा जी क्या लगता है आपको यहाँ पर? बेबजो निष्पक्ष बताइए कि क्या लगता है? मैं किसी और की इच्छा तो बता नहीं सकता। हाँ, आप अपनी बताइए। मैं अपनी इच्छा बता देता हूँ कि मैं खट्टर को वोट नहीं दूंगा, ब्राह्मण हूँ। क्यों क्यों नहीं दोगे? क्या बात? अभी रोज तक में क्या कांड हुआ था? ब्राह्मणों ने उसका फरसा पकड़ाया है। ब्राह्मणों ने कोई अपनी डिमांड कर दी, कभी हमारे लिए भी कुछ सोच। ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया इन्होंने, शर्मा जी ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है ये यहाँ पर। मांग के खा लेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, उन्होंने कोई अपनी डिमांड रखी। खट्टर ने वहाँ क्या बोला कि इसी फरसे तेरे को चीर दूंगा बीचों बीच। ब्राह्मणों ने उसको इतनी इज्जत दी। आइए आप आगे आइए। हाँ बताइए अपनी दिल की बात बताइए पूरी। हाँ खट्टर को वोट नहीं दूंगा। तो देखिए क्या नाम है आपका? अमित शर्मा। अमित शर्मा जी ने अपने दिल के दर्द बताए हैं। उन्होंने स्पष्ट ये भी कहा है कि मैं इस वोट नहीं दूंगा, स्पष्ट कहा इन्होंने। ये बहुत एक काबिले तारीफ बात है, इस बच्चे की बहुत काबिले तारीफ बात है। इसने मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ओपनली तौर पे कहा, ये बहुत ही बधाई के पात्र लड़का जो उसने ये बात कही है। हम भी आपके सम्मान करते हैं आपकी बात का बेटे। नहीं जी कोई भी मान लो कोई सिख साहब है, कोई सरदार जी है, वो अपने कौम में बुलाते हैं उनको खंडर। ये मंच अर्थ प्रकाश का मंच सभी के लिए है। आप बोलिए, खुल के बोलिए जो बोलना है। जो अपनी अपनी है भैया, अपनी दिखाते हैं। सरदार जी है, गुरु ग्रंथ लेके आया या कोई खंडा पकड़ा रहा है, किसी को सम्मान दे रहा है, और जिसको सम्मान दे रहा है वही उल्टा आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ये एरिया ब्राह्मण ब्राह्मण एरिया काफी है ये, तो आपको क्या लगता है? अपनी बात बताइए। जो मर्जी ये सबसे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन मैं मेरी इच्छा ये है कि मैं खट्टर को वोट नहीं दूंगा। तो देखिए अमित शर्मा जी ने अपने बेबाकी से स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं नहीं वोट दूंगा। हमारे बीच में बैठ गए। क्या नाम है आपका जी? आइए रमेश शर्मा जी क्या लगता है आपको? क्या लगता है यहाँ का माहौल कैसे लगता है? माहौल तो जो है सामान्य है, लेकिन बात क्या सब तो मन की बात तो बता नहीं सकते हैं। नहीं नहीं आप मन की बात पूरी बताइए अर्थ प्रकाश के माध्यम से पूरे मन। जैसे अमित ने बहुत बात बताई है, दिल की बात बताइए। हमें अच्छा लगा किस लड़के ने अपने हौसला करके, उसी तरह से आप भी अपना हौसला के साथ बताइए, खुल के बताइए, दिल में ना रखो कोई बात, बताइए क्या क्या बात? ऐसा कि किसी भी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी खड़ा होता है कि जनता के विषय तो सोचते नहीं। अभी की जो महंगाई बढ़ गई, फिर उसके विषय में क्या विचार किया उन्होंने? वोट लेने के लिए तो घर फिर रहे, चाहे कोई भी पार्टी। हम बीजेपी से जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तभी से वोट दे रहे हैं। बीजेपी को वोट दिया, हो गया सरकार बना दिया, जिता दे फिर देने वाले हैं, लेकिन पीस तो रहे हैं अब देने के लिए। आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री के कार्य प्रणाली से आप कितना खुश हो, ये बताइए। दो शब्दों में दीजिए। नहीं नहीं मुख्यमंत्री जो है ना, वास्तविक जो मुख्यमंत्री हैं तो खासकर उतना मुख्यमंत्री के पद के लायक तो जो थे नहीं थे वो तो उतना मतलब जचा नहीं हो। दस में से कितने नंबर दोगे उनको? दस में से कितने नंबर? दो हैं? दो। जैसे आपको पता कि हम आज कर रहे हैं करनाल की जीरो लेवल पर सर्वे की, करनाल की जनता क्या चाहती है। इससे पहले हम आपको चौक पर लेके गए, वहाँ पर लोगों ने अपनी दिक्कतें बताई, ऑटो वालों ने दिक्कतें बताई, फिर भी उन्होंने भाजपा सरकार पर अपना विश्वास दिलाया। और अभी हम खड़े हैं यहाँ पर, ये जो सबसे व्यस्तम चौक है, नेहरू प्लेस है जो व्यापार के लिए मशहूर है। मैं अपने कैमरा में अरविंद जी कहूँगा, अरविंद जी जरा शॉट लीजिए सभी जगह के। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम देखते हैं कि व्यापारी बिजनेसमैन जो रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी सरकार की, जैसे हम सब जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान आर्थिक तंगी से गुजरा है, करनाल के व्यापारी इस बात को किस तरह से लेते हैं। और हमारे हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में हरियाणा व्यापार मंडल
करनाल इकाई के प्रधान श्री कृष्ण लाल तनेजा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तनेजा साहब आपका बहुत बहुत पहले धन्यवाद। बताइए आप, ये हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे आपकी हॉट शीट, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हॉट शीट है यहाँ पर करनाल की, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, पूरे हिंदुस्तान की निगाह इस सीट के ऊपर, आप क्या उनके कराए गए विकास कार्य को आप व्यक्तिगत तौर पर किस दृष्टि से देखते हो? हम माननीय खट्टर जी मुख्यमंत्री जो हमारे करनाल के पहले MLA थे और अब मुख्यमंत्री, पिछले उन्होंने 5 साल के अंदर हरियाणा के अंदर पूरा विकास किया है। करनाल के अंदर 2000 करोड़ रुपए का विकास किया है, जिसकी डिटेल है, सड़कें बनी हैं, बाईपास बने हैं, बल्डी बाईपास बना है, सीवरेज जो कि वहाँ 4-4 फुट 3-3 फुट पानी खड़े हो जाता था उसके अंदर, बहुत बड़े बड़े मेन हॉल कम से कम 4-4 फुट के वो सीवरेज डले हैं, और यहाँ से पूसगढ़ की तरफ आप जाओ तो वहाँ कम से कम 6-6 फुट के सीवरेज डले हैं। जब वहाँ सड़क टूटी फूटी थी, जहाँ भी यहाँ 60 कॉलोनियाँ मतलब अप्रूव नहीं थी, CM साहब के आते ही उन्होंने ये 60 कॉलोनियों को अप्रूव किया, उनके अंदर सीवरेज दिया, लाइट दी और पानी दिया सबको, और GST को भी सरलीकरण किया। तो आपने अभी ये हरियाणा अपने करनाल की डेवलपमेंट के बारे में बताया, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हो करनाल इकाई के, आप ये बताइए पिछले 5 साल में आप मुख्यमंत्री जी से कितनी बार मिले हो? हमारा तो अक्सर मेल होता ही रहता है, ज़्यादा नहीं तो 15 दिन में, हफ्ते में एक बार तो मेल हो ही जाता है, जब भी आते हैं तो तब उनके साथ मुलाकात हो जाती है। तो तनेजा जी ने कहा कि यहाँ पर उनका मेल अक्सर होता रहता है, तो सबसे पहले आपसे हम बात करें, क्योंकि आप व्यापार से संबंधित हो, जैसे हिंदुस्तान में आर्थिक मंदी चल रही है, उस तरीके से जो करनाल आपका जो हब है, ये नेहरू प्लेस है यहाँ पर आप खड़े हो, ये बताइए कि यहाँ पर उस मंदी का कितना असर है? मैं तो देखो ऐसा होता है, ये सीजन ऑफ सीजन ऑन, मतलब जैसे अब सीजन चल रहा है, आज से नहीं, कभी कितने सालों से ले लीजिए, मंदा भी आता है, देखो बरसातें भी आती हैं और तेजी भी आती है। आजकल जो हमारे दशहरे से लेकर निराते अभी तक, तो मार्केट की क्या स्थिति है, कि क्या ग्राहक आ रहे हैं यहाँ पर? बहुत ग्राहक है, बहुत ही ज़्यादा ग्राहक है, कोई मंदी की बात नहीं, लोगों की उम्र है। तो आप ये बताइएगा अपने मुख्यमंत्री, अपने MLA को आप हम कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10 ही देंगे। तनेजा जी ने 10 में से 10 नंबर दिए हैं, और फिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, और हमारे बीच में बब्बर साहब जुड़ गए हैं, थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी बब्बर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है अर्थप्रकाश में। थैंक यू वेरी मच। तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ की स्थिति कैसे है? पहले यहाँ की स्थिति, क्योंकि यहाँ के MLA भी मनोहर लाल खट्टर जी हैं और वो चीफ मिनिस्टर भी हरियाणा के हैं, यहाँ का विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अभी तनेजा साहब ने बताया कि 2000, जो भी पक्ष कहता है कि हमें विकास नहीं दिखाई दे रहा, हम ये पूछना चाहते हैं कि हरियाणा करनाल के लोगों को विकास दिखाई दे रहा है? यहाँ पर इतना विकास दे रहा है तनेजा साहब ने, जो कि यहाँ के प्रधान है इकाई मंडल के, व्यापार मंडल के, उन्होंने अभी बताया कि 2000 करोड़ रुपये का मतलब यहाँ पर काम हुआ है, ये सीवरेज ये। अच्छा ये एक बात पूछनी थी, मैं तनेजा साहब से पूछनी भूल गया कि व्यापारियों के लिए क्या काम किया, क्योंकि जिसको लगा होगी आपको। हाँ तनेजा साहब आप फिर द्वार से जुड़ गए हमारे बीच में, वो एक प्रश्न रह गया था, व्यापारियों के लिए CM साहब ने कोई अलग से कोई आपको फैसिलिटीज दी है? बिल्कुल, व्यापार मंडल व्यापारियों के लिए उन्होंने एक बीमा योजना, जो कि कोई नुकसान हो जिसमें 5 लाख से लेकर 25 लाख हर एक व्यापारी का उनको भरपाई हो, GST को सरलीकरण। अच्छा आपने बीमा योजना बताई, आप हमें बता सकते हो कि ऐसे कितने कोई व्यापारी हैं जिन्होंने इस योजना का उन्होंने वो लाभ लिया हो, ऐसे निगम है? बिल्कुल हैं, मंडी के लोग हैं, यहाँ सब्जी मंडी के अंदर उनको दुकान को आग लगी थी, उनको उसके हिसाब से रेशो के हिसाब से उनको 14 लाख रुपये मिला। तनेजा साहब ने बहुत बड़ी बात की है कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बीमा योजना शुरू की, और योजना शुरू ही नहीं कही उसका व्यापारियों ने लाभ भी उठाया है, उनकी मुसीबत के समय में सरकार उनके साथ खड़ी है। तनेजा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बब्बर साहब जी आपकी बात बीच में रह गई, आप ये बताइए कि आपके जो मुख्यमंत्री साहब हैं 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से तो अंतरात्मा से बोलना, अंतरात्मा से 8 से 10 के बीच में तो 100% है। तो बब्बर साहब जी ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना पूर्ण रूप से दिखाया। हाँ जी अब आप हमारे बीच में का यूथ है, करनाल का डेवलपमेंट कितना हुआ हमें पता नहीं है, लेकिन इनकी चेहरा देख के देख सकते हैं कि जितना चेहरा इनका खिला हुआ है उसी तरह से करनाल का डेवलपमेंट भी उसी तरीके से अच्छा हुआ होगा। क्या नाम है आपका? विकास कथुरिया।
विकास कथूरिया जी, आप काम क्या करते हैं पहले बताइए। मेरा एक हार्टून का गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, करनाल में रन कर रहा हूँ। तो आप जो मौजूदा अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार, आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ से MLA और मुख्यमंत्री हैं, तो उनके कार्यशैली को आप किस दृष्टि देखते हो? कार्यशैली को देखो, कार्यशैली उनकी बहुत अच्छी है, ईमानदार सरकार है, वो खुद भी बहुत ईमानदार हैं और बहुत ईमानदारी से वो करनाल में और पूरे हरियाणा में काम कर रहे हैं। मैं एक हार्टून का एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूँ, यहाँ पर इतनी मतलब मेरे पास लगभग 300 के करीब स्टूडेंट हैं और उनमें से लगभग 20-30 मतलब स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है। तो आपने देखा कि करनाल के लोग, हमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि यहाँ के लोग जागरूक हैं और खट्टर साहब की कार्यशैली पर बाज की तरह निगाह लगाए बैठे थे 5 साल से। और सब और एक बात और बताना चाहते हैं कि इन जो हमें ये बात कह रहे हैं, ये पूरे हरियाणा में हमें करनाल में देखने को मिली, अगर खट्टर साहब से नाराजगी है वो भी मुँह पर कह रहे हैं, अगर खट्टर साहब से प्यार है तो वो भी मुँह पर कह रहे हैं, लेकिन जो भी बात कह रहे हैं वो प्रमाण और तथ्य के साथ कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद जी आपका। आपने एक बात पूछनी भूल गया, कितने नंबर दोगे MLA साहब? 10 में से 10 नंबर है। 10 में से 10 नंबर कथूरिया साहब ने कह दिया। और हमारे बीच में सत श्रीकाल जी। हाँ जी, क्या नाम है? हरमीत सिंह हैप्पी। हरमीत सिंह हैप्पी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हैप्पी जी, कैसा लगता है सबसे पहले बताइए, जो यहाँ पर वेव है, जैसे कहते हैं आपके मुख्यमंत्री हैं यहाँ से मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी कार्यशैली के बारे में बताइए सबसे पहले। कार्यशैली प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सभी भलीभांति परिचित हैं। और आपके इस मंच के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा, इस तरह की कार्यशैली ना आज तक देखी और ना देखेंगे पूरा करनाल। आपको क्या चीज़ अच्छी लगी मुख्यमंत्री साहब की? मुख्यमंत्री साहब की देखो, सबसे बढ़िया तो ये है कि वो हर समाज के लिए, 36 बरादियों के लिए उन्होंने एक नारा दिया, हरियाणा एक हरियाणवी एक। और आज तक सिर्फ जातिवाद के ऊपर रोटियां सेक की जाती थी और राजनीति सिर्फ जातिवाद के ऊपर किया जाता था, सबसे अच्छी ये चीज़ लगी। अच्छा, सबसे बड़ा और बताना जी, जैसे आपने व्यापार की बात की है, व्यापार व्यापारियों के लिए हमने तनिजा जी ने बताया डेवलपमेंट हुई है, आप हमें ये बताना कि आप कितनी बार मुख्यमंत्री साहब से मिले हो, क्योंकि अवेलेबिलिटी के अंदर उनके, यानी यहाँ पर आम लोगों ने भी कहा कि उन तक पहुँचना हमें मुश्किल है। ये मैं हरियाणा व्यापार मंडल यूनिट करनाल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। करनाल की जितनी एसोसिएशंस हैं, लगभग 60 से 65 एसोसिएशंस हैं, वो सारे हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। जिस दिन मुख्यमंत्री जी बने थे, हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा तुरंत आप, तीसरे दिन हम पहले हमारी मुलाकात हुई थी। जब भी किसी व्यापारी की समस्या होती है हम उनको बोलते हैं, बड़े खुशी से हमारे को मिलते हैं। आपको एक ताज़ी बात बताता हूँ, हमारे यहाँ नेताजी सुभाष मार्केट है, उसके ऊपर कितने सालों से ये दुकानें अलॉट हुई हुई हैं, उनके ऊपर दुनिया जहान के 2 लाख 4 लाख 5 लाख की पता नहीं कितने लाखों रुपए की उन्होंने इसके ऊपर अनाउंसमेंट बना के भेज दी। मैं कृष्णलाल तनेजा जी के नेतृत्व में हम लोग उनसे मिले, व्यापार मंडल उनसे मिला, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी, जो यहाँ के कमिश्नर थे उनसे कहा भी आप। अच्छा, आप ये बताइए, ये तो बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हो जाएगा, आप हमें ये बताइए कि 10 में से कितने नंबर दोगे मुख्यमंत्री? मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि इमीडिएटली उन्होंने समाधान किया, सारी बात की सुनवाई गई, व्यापारी वर्ग पूरा खुश है और सारा हर एक व्यापारी की यही पुकार, इस बार मनोहर सरकार और 10 में से 10 नंबर में। तो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने 10 में से 10 नंबर दिए, भारतीय जनता पार्टी पर इन्होंने पूर्ण रूप से अपना विश्वास भी जताया। और एक बात देखने को ये मिल रही है कि हिंदुस्तान में आर्थिक मंदी चल रही है, लेकिन करनाल के जो व्यापारी हैं वो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि इस करनाल की मार्केट में किसी को भी आर्थिक मंदी का आप ये माहौल नहीं दे सकते। अच्छा भगवान दास जी, ये कैसा माहौल लग रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का या सेंसिटिव जो इलेक्शन है, सभी यहाँ पर सभी हिंदुस्तान के लोग आपकी करनाल सीट को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? और ये भी देख रहे हैं कि हरियाणा की जनता, जो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मैंने विकास किया, आज उनका रिपोर्ट कार्ड जो बनाया जाएगा 21 को, वो कितने नंबर से पास होते हैं, ये भी देख रहे हैं। आप ये बताइए कि सबसे पहले कि आप मुख्यमंत्री कार्यशैली किस चीज़ देखते हो? ये पूरे हरियाणा का सौभाग्य है कि आज पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, जन जन में जो है मनोर हो रहा है, और उन्होंने 5 साल में ऐसे विकास के कार्य किए, ऐसे विकास कार्य जो आज तक 70 साल में नहीं हुए थे। आदरणीय मनोहर लाल जी ने यहाँ से, हमने उनको पिछली बार जो है विधायक बना के भेजा था, देश के महान नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया था। तो आप ये बात तो छोड़िए, चलो ये सबको पता है कि ये बनाया है, आप ये बताएं कि आप माननीय मुख्यमंत्री से कितनी बार मिले हो 5 साल के अंदर? 200 बार। 200 बार इन्होंने कहा कि 200 बार जो बातें हमें पहले सुनाई दी थी, मुख्यमंत्री साहब अवेलेबल नहीं होते, वो इन्होंने क्लियर कर दी है
कि ये उनसे 20 बार मिले हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री को कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10। 10 में से 10? 10 में से 10। 10 में से 10 बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाए खड़े हैं और पूर्ण रूप से एक वेव यहाँ पर दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के लोग कह रहे हैं और लोगों के व्यूज आपने सुने हैं और ये कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी ही यहाँ से। यही कहा आपने? बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने, आपने कहा ना? बिल्कुल, मैं सारा करनाल कह रहा, सारा हरियाणा कह रहा। ये कह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं कह रहा, पूरा करनाल कह रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जी पर कर दूंगे। बिल्कुल पक्का, बिल्कुल। हाँ, इन्होंने बिल्कुल डिसाइड कर दिया है, इलेक्शन से पहले डिसाइड कर दिया है। यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, कोई मुकाबला भी नहीं है। अच्छा अच्छा। अशोक गुंजा जी नमस्कार आपका। अशोक कुमार आहूजा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैसे लग रहा है आपको? सबसे पहले बताइए। बहुत कमाल की, करनाल का तो नक्शा ही बदल दिया है। मैं भी जब करनाल में आया आते साल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के लोग यानी कोई छल कपट नहीं है और दिल से त्यौहार मना रहे हैं, लोकतंत्र का त्यौहार अच्छी तरीके से मना रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली पे आप कितना संतुष्ट? बहुत खुश हैं जी, उन्होंने तो करनाल का जो है ना नक्शा ही बदल के रख दिया है और हमें ये महसूस ही नहीं होता। हम तो जब भी मिलने गए हैं एकदम मिले हैं और बार बार जितने छोटे छोटे घर के मेंबर ही लगे। अच्छा, उनके मुकाबले में कौन है ये? हैं जी, उनके मुकाबले में तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, अच्छा कह नहीं सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए अशोक जी कि ये आप अपने मुख्यमंत्री को 10 में कितने नंबर दोगे? मारे तो 10 से 10 नंबर ही हैं और उनके लिए मैं दो शब्द भी कहना चाहूँगा। वो सबसे बड़ी बात है, दो शब्द शायर भी हो आप। शायर भी। वाह, बहुत अच्छा होगा जी, हमारे आज का प्रोग्राम सफल हो गया। करनाल में हमें यहाँ पे हर तरीके का लोग मिला है और एक शायर भी मिल गया। बोलिए आप। हाँ जी, हमारे अर्थ प्रकाश से मैसेज दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब को। हाँ जी, हाँ जी, मुख्यमंत्री साहब को मैसेज दे रहे हैं अपनी शायरी के अंदर। हाँ जी। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। ऐसा उनका मान है, ऐसा ही वो करके दिखा रहे हैं। तो बहुत अच्छी एक शेर के, अपने दिल के जज्बातों को इन्होंने अपनी यानी कह सकते हैं कविता में परोकर मुख्यमंत्री जी को ये अपना मैसेज दिया। अपना मैसेज नहीं, पूरे लोगों का, करनाल का मैसेज दिया है। और मैं जब तक अगर मुख्यमंत्री साहब देख रहे हो तो इनकी एक बार जोर अपने तरफ ताली बजा देना एक बार। अच्छा अच्छा, अरे हम इस वक्त खड़े हैं करनाल के अंदर। जैसे आपको पता है भाइयों बहनों की, हम सुबह से आपको ग्राउंड लेवल रिपोर्ट दिखा रहे हैं करनाल की और हमारे बीच में व्यापारियों के बारे में, बाकी व्यापारियों का हमने बताया और व्यापारियों के हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट श्री महेश भाटिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं और देखते हैं भाटिया साहब कैसे लगता है। सबसे पहले आप इलेक्शन के बारे में बताइए। इस बार करनाल की जनता में पूरा उत्साह है और मैं विशेषकर हरियाणा व्यापार मंडल की तरफ से करनाल के लोगों को आग्रह करना चाहूँगा कि 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, कोई भी ऐसा ना हो अपने। आप हमें ये बताइए कि आप मौजूदा जो आपके MLA हैं उनकी कार्यप्रणाली से कितने परसेंट संतुष्ट हैं? हम लोग अपने मौजूदा जो हमारे MLA हैं और जो कि हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, हम लोग 100% संतुष्ट हैं उनसे। तो जैसे हम सब कहते हैं विपक्ष, हम अक्सर ब्लेम लगाता है कि विकास हमें दिखाई नहीं देता, ये बताइए कि करनाल के लोगों को विकास दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है और बढ़ चढ़ के विकास हो रहा है और भ्रष्टाचार। कौन कौन से विकास हुए आपकी नज़र में? सारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, चाहे वो रोड है, चाहे वो अपना वाटर से रिलेटेड है, चाहे वो बिजली की पहले कमी होती थी, गैस की कमी होती थी, आज की डेट में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है हमारे करनाल में। देखो थोड़ी बहुत तो रह जाती है लेकिन यानी इतनी बड़ी नहीं है जिससे कोई मुद्दा बन जाए, इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। अच्छा, आप ये बताइए कि व्यापारियों के लिए, जैसे हम सब जानते हैं कि इस वक्त आर्थिक मंदी तो है, ठीक है, GST भी हम जैसे जा रहे हैं दुकानों पे जा रहे हैं वहाँ पर लोग ये कहते हैं हमारे पास ग्राहक नहीं है, तो आपके पास ऐसी शिकायतें आती होंगी कि दिक्कतें आ रही हैं, सरकार ने व्यापारियों के लिए क्या किया है इसके बारे में बताइए ताकि दूसरे व्यापारियों को भी पता चल जाए। सरकार ने जो GST का कदम लिया था उससे देखो जी थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता ही है शुरू में, लेकिन सरकार उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर रही है। आप हर 15 दिन के बाद देखोगे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं नई से नई योजनाएं लागू कर रहे हैं ताकि इस मंदी को दूर किया जाए और व्यापारियों को एक पर GDP तो बढ़ नहीं रही। GDP भी ग्रेजुअली धीरे धीरे बनती है, जब भी जहाँ पे GST आती है तो एक बार GDP जरूर गिरती है। अब यहाँ इंडिया में नहीं, चाहे वो अमेरिका में आई है, चाहे किसी भी कंट्री में आई है, एक बार GDP गिरती है और ये ग्रेजुअली जो है GDP ग्रो करेगी इंडिया की। और आप देखो डे बाय डे इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतने ही हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि सरकार ने, हम GDP बारे में बात कर ली आपसे और मंदी है उसके बारे में बात कर ली, आपने मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली के बारे में बता दिया, तो आप हमें ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने
हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के कल्याण के लिए कोई दो काम बताइए। एक तो उन्होंने व्यापारियों के लिए जो सबसे बड़ा कार्य किया है कि व्यापारी का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर दिया है, जो कि अभी तक किसी भी सरकार ने सोचा नहीं था। सिर्फ सब सरकारें जो है व्यापारी को चोर समझती थी। इस सरकार ने व्यापारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और उसको जो भी सहूलतें हैं दिए, एक तो 5 लाख रुपए का उसको इंश्योरेंस दिया है, प्लस एक व्यापार आयोग बनाया है जिसमें कोई भी व्यापारी अपनी शिकायत कर सकता है। और व्यापारी आज की डेट में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है और एक तरह से सरकार का सहयोगी है। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार करनाल के अंदर जो मेन इलेक्शन संभाला हुआ है वो हमारे हरियाणा व्यापार मंडल ने सारा इलेक्शन संभाला हुआ है। इस समय व्यापारी, इस समय श्री मनोहर लाल जी नहीं खड़े, करनाल का हर व्यापारी इलेक्शन लड़ रहा है एमएलए का। और ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, मैं जनता को अर्थ प्रकाश के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ, इस बार हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, जो कि इंडिया में एक रिकॉर्ड होगा। तो देखिए कि अपने महेश भाटिया जी ने रिजल्ट इलेक्शन से पहले ही अपना रिजल्ट सुना दिया है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।